3 in 1 चाफ कटर है हमारा। सबसे पहले तो इसमें आपकी आटा चक्की है जिसमें 6 कटर है और जालियां आएंगी इसमें, जिसके जालियां इसमें लग जाएंगी, जो कि है ये पूरा चाफ कटर है आपका। इसी के साथ हमने मिल्किंग मशीन अटैच कर रखी है, ये उसका टैंक है, ये मिल्किंग मशीन है और ये बकेट है। ये बकेट पूरी है, पाइपलाइन टाइप सेटअप हो जाएगा इसमें आपका, इसमें आपका पाइपलाइन टाइप सेटअप हो जाएगा दूध की मशीन में। एक जगह आप मशीन रख दो और पाइपलाइन से आपकी पाइपलाइन लगा लीजिए और गायों को आपका दूध निकाल लीजिए इसमें। ये आपका आटा चक्की, ये चाफ कटर, ये मिल्किंग मशीन, ये 3 in 1 हमारी मशीन है। इसमें सिर्फ कस्टमर को बेल्ट बदलना है, एक ही मोटर से 3 काम होंगे। इस मोटर से चाफ कटर चल जाएगा, इस मोटर से पल्वलाइजर चल जाएगा और ये बेल्ट आप लगे हुए देख रहे हो, ये मिल्किंग मशीन चल जाएगा। सिर्फ आपको बेल्ट बदलने हैं 3 और 3 काम करेगी एक बार में मशीन। मशीन को एक तरफ पटकना है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जिससे आपको कटिंग भी मालूम पड़ जाएगी, आटा पिसाई भी मालूम पड़ जाएगी और मिल्किंग मशीन चलती है नहीं चलती है ये भी मालूम पड़ जाएगी। आपका पेचकस है, इस तरीके से बेल्ट निकालना है आपको, ये टेढ़ा करके निकालना, ये बेल्ट निकल गया आपका। ये लगाने का तरीका है, बेल्ट लगाने का तरीका, पहले छोटी पुली पे, पहले छोटी पुली पे लगाना है आपको, फिर बड़ी पे, फिर बड़ी पे लगाना है। ये बड़ी पे लगा रहे हैं हम, इस तरीके से धीरे धीरे घुमाना है दोनों हाथ को बचा के। ये देखिए ये लग गया, चालू करिए भैया। आप कटर देखिए फुल स्पीड में घूम रहा है, इसकी हवा बना रहा है। ये देखिए आप मिल्किंग मशीन का डेमो दे रहे हैं। मिल्किंग मशीन में क्या, ये पंप रहता है हमारा, इसमें ये हवा छोड़ेगा आपका, हवा छोड़ेगा मतलब ये वैक्यूम पंप है तो ये हवा रिलीज करेगा, इधर से वैक्यूम बनेगी। ये हमारी टंकी है, ये देख सकते हो आप, इसके हमारा स्टैंड बना हुआ है, स्टैंड पे आपका ये आसानी से ये लग गया आपका। ये हमारा पल्सेटर है और ये बकेट हमारी 304 SS की है और इसमें ये पल्सेटर लगा हुआ है आपका, ये देख लीजिए। 25 लीटर की बकेट है विद रिंग, सिलिकॉन रिंग के साथ, ये रिंग आपकी सिलिकॉन है, ये इस तरीके से लगेगी। बकेट लगाइए फटाफट आप। ये पल्सेटर है हमारा और लगाने के बाद आपको ऐसा लॉक करना है, ये लॉक हो गई, जब तक एक लॉक नहीं करोगे तब तक इसमें से वैक्यूम लीकेज होगा। ये हमारा पल्सेटर है, ये हमारा क्लॉ है, ये हमारे टी कप्स है SS के, ये भी 304 ग्रेड है, ये सिलिकॉन की रबर ट्यूब्स है, ये सिलिकॉन का है, ये क्लॉ है, ये क्लॉ आपका 40-60 के पल्सेटर पे ही काम करेगा और हाई स्पीड है। दूसरा ये जो टैप दिया हुआ है हमने, जैसे कि ये निकल गया है, ये देखिए ये टैप जो है, ये एक तो ये टैप है, ये सेफ्टी है, अगर आप ये यूज़ करना चाहे तो ये यूज़ कर लीजिए, ये नहीं यूज़ करना चाहे तो आप इससे बंद चालू मशीन कर सकते हैं। मैं मशीन चालू करके आपको दिखा रहा हूँ, चालू करो भैया, देखिए मशीन चालू हो गई है, ये देखिए पल्सेटर आवाज़ कर रहा है। आप इसमें ये वैक्यूम, ये देखिएगा वैक्यूम रिलीज़ करिए, वैक्यूम रिलीज़ करिए, दबा दो नीचे, ये आपको आवाज़ आई होगी, ये वैक्यूम रिलीज़ हो गया है, वापस से उठाइए भैया। ये देखिए वापस बंद करने लग गया, ये वापस से प्रेस करो भैया इसे, ये इस तरीके से आपकी मिल्किंग मशीन इस चाफ कटर के साथ काम करेगी। मैं बंद कर रहा हूँ, दूसरी आपको आटा चक्की चालू करके बता रहा हूँ। ये सेटिंग का है, गाला सेट होगा, इससे ये अंदर का छेद माल जो जाएगा वो कम ज़्यादा की सेटिंग के लिए ये दिया हुआ है। ये देखिए ये प्लस करेंगे तो खुल जाएगा ज़्यादा, माइनस करेंगे तो कम हो जाएगा, इसका जो गाला रहेगा वो कम हो जाएगा। ये जाली लगाने का तरीका, ये जाली लिया आपने और ये इस तरीके से लगानी, और निकालने का भी तरीका बता देते हैं। ये इस तरीके से निकलेगी, ये ड्रम साफ़ कर लें आप और फिर कोई सी भी चीज़ घुमा कर सकते हैं, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, हल्दी, अदरक, धनिया, कुछ भी आप इसमें पीस सकते हो आप। ये दूसरी जालियाँ हैं, अलग अलग जालियाँ नंबर के हिसाब से, ये थूली के लिए है आपकी, सब अलग अलग, जितने जितने ज़्यादा छेद है उस हिसाब से उतना मटेरियल नीचे निकलेगा। बस चालू करो भैया, ये पिसाई चालू हो गई है, देख सकते हो आप, ये हमने गाला टाइट करा,
अभी हमने आपको एक मोटर से तीन चाप कट तीन चीज़ें चलाना बताई है, चाप कटर, आटा चक्की, मिल्किंग मशीन। आटा आपका प्रोडक्शन ये रहा है, देख सकते हो आप, बिल्कुल बारीक आटा है रोटी बनाने का। दूध की मशीन के लिए है ये आपकी मिल्किंग मशीन का सेटअप, और ये चाप कटर, इसकी कटिंग, ये कटिंग देख लीजिए कितनी प्यारी है, बिल्कुल बारीक कटिंग है, बिल्कुल बारीक। ये देखिए आप पत्ते भी कैसे काट रही है और ये भी काट रही है। ये अभी आपको एक ही चीज़ से सब, मैंने तीनों मोटर और ये चालू करवाई करना।